पूरी बहस के लिए आपको बधाई दूंगा। देश के दर्शकों ने देखा कि जब से आपने बहस शुरू किया, आदरणीय धर्मेंद्र जी कितनी शालीनता से केंद्रीय मंत्री की बात सुन रहे थे और किस तरह से उनके अंदर की छटपटाहट घबराहट दिखाई दे रही थी कि उनके पास धैर्य नहीं था कि उन सवालों को सुनते और जवाब के देते। यही गन्ना मंत्री से आप और धर्मेंद्र जी पूछते रह गए। इन्हीं दो तीन लाइनों में पूरी सच्चाई तस्वीर आ जाएगी। गन्ना मंत्री से आप और धर्मेंद्र जी पूछते रह गए कि गन्ना का कितना बकाई था। पूरा इतिहास, भूगोल, ग्रामर, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी रटा रटा बोल दिए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिए कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं था। कभी कभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता राजनाथ सिंह से भी पूछते कि एक जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो भैया, मोदी जी क्यों आ गए बनारस भैया। उत्तर प्रदेश की जनता मैनपुरी से लेकर बलिया तक, नोएडा से लेकर बलिया तक अखिलेश यादव जी को बुला रही थी, और जहां से लड़ते हैं वहां जीत जाते हैं। तो सही है ना कि आजमगढ़ से लड़े, आजमगढ़ से जीते, कन्नौज से लड़े, कन्नौज से जीते, मैनपुरी से लड़ेंगे, वहां से जीतेंगे। ये तो साबित करता है कि हमारा नेता कहीं भी खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। आपकी तरह बाबा को लौट के बाबा बेचारे अप्लीकेशन डालते रहे मथुरा में, बाबा बेचारे अप्लीकेशन डालते रहे अयोध्या में, आप लोग मीडिया पर चलाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता चलाते रहे, लेकिन लौट कर गए घर में। तो ऐसा तो नहीं, हमारा नेता जहां से भी खड़ा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, मैं आपके चैनल पर पिछली बार भी बोला था, मैं इनवाइट करता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को मऊ से, और ऐतिहासिक जीत नहीं जीत कर गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं एबीपी न्यूज पर घोषणा करता हूं। तो इनके तरह अपने लगे राजनाथ सिंह से पूछ लीजिए ना, राजनाथ सिंह से पूछ लीजिए क्यों घूम घूम कर लड़ते हैं, एक जगह से दोबारा क्यों नहीं लड़ने की हिम्मत रखते। 50 नेताओं की बात कर दूं, जो अभी अभी अपराधियों के जो आप शतक पूरे कर रहे हैं उस पे बहस कर लो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।